वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे, सभी वीडियो का पीडीएफ वहां उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। कॉसमॉस 2406 है, कॉसमॉस 2406 है, सही उत्तर इसका हो जाएगा एक सैन्य उपग्रह, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम्स ब्रांड नाम से बेचा जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कंप्यूटर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अग्निबर्न मिसाइल का परीक्षण 4 जुलाई 2004 को किया गया था, इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है, तो ये हो जाएगा विटामिन ए का। एस्ट्रोसैट है, तो हो जाएगा भारत द्वारा 2007 में प्रक्षेपित होने वाला खगोल विज्ञान संबंधी प्रक्षेपास्त्र है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुपम, ऑप्शन डी। वह रेडियो समस्थानिक जिन्हें परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह है सही उत्तर इसका हो जाएगा सोडियम 24 हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक मीन है, सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्लाइंग फिश, ऑप्शन सी हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार हो जाएगा एसीटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय, इसका हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल, सेब हो जाएगा मैलिक अम्ल, कूट में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है, सही उत्तर इसका हो जाएगा रतन ज्योत, ऑप्शन बी। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, ब्राह्मणी हो जाएगा वनस्पति और उपयोग है, तो यह हो जाएगा मस्तिष्क स्फूर्तिदायक के लिए, ऑप्शन एक एच फोर हो जाएगा। सदाबहार का हो जाएगा मधुमेह प्रतिरोधी। पुदीना का हो जाएगा बातहर। तुलसी का हो जाएगा कफनाशक। कूट में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा, सही उत्तर इसका समुद्र तट घट जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा त्रिशूल, एक लघु दूरी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, ये सही नहीं है। आकाश एक मध्य दूरी बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है, सही है। नाग एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है, सही है। पिनाक एक बहुलीयुक्त रॉकेट प्रक्षेपास्त्र है, ये भी सही है। डीआरडीओ के मुख्य अधिकारी हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा डीआरडीओ के मुख्य अधिकारी जो है एस क्रिस्टोफर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एडुसैट आरंभ किया गया था 20 सितंबर 2004 को,
ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का पहला अस्थि बैंक स्थापित किया जा रहा है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, सही उत्तर इसका हो जाएगा चोल ऑप्शन बी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस वंश से स्थापित किया वह था, सही उत्तर इसका हो जाएगा कछवाहों से ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा लाला हरदयाल ने ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अगला प्रश्न है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ऑप्शन इसका एक और दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम से कौन सा है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा 1930 ईस्वी में, 1930 हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, व्यक्तिक सत्याग्रह 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्रिप्स मिशन 1942 हो जाएगा, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद ने न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग का कार्यालय 2 नवंबर 2004 तक पुनः बढ़ाए जाने तक अनुमोदन से किया, यह आयोग से राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था जांच हेतु, सही उत्तर इसका हो जाएगा 1984 ईस्वी के सिख विरोधी दंगों, 1984 के सिख विरोधी दंगों में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, सही उत्तर इसका हो जाएगा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए, सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 माह में, ऑप्शन बी। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रारंभिक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है, इसका हो जाएगा प्रधान सरपंच और पंच, प्रधान सरपंच पंच ये हो जाएगा, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा
संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है वह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। ग्रामीण से अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन से किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नवार्ड द्वारा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वक्तव्यों में से बंबई शेयर बाजार के लिए कौन सा वक्तव्य सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, इसे शेयर सूचकांक को सेंसेक्स नाम से जाना जाता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। स्वराज धारा योजना, स्वजल धारा योजना ये हो जाएगा। ग्रामीण जलपूर्ति से हरियाली योजना हो जाएगा। वाटर शेड प्रबंधन से, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रामीण स्वरोजगार, ऑप्शन इसका सी के चार हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो जाएगा ग्रामीण संपर्क से, कूट में सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही रूप में सुमिलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आईडीबीआई जो हो जाएगा, ये विश्व बैंक दिया हुआ है, ये सही नहीं है। आईडीबीआई हो जाएगा भारत का औद्योगिक विकास बैंक है, इसकी स्थापना 1964 में हुआ है। निम्नांकित इस्पात संयंत्रों में कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन सी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल था 1974 से 78। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राइट आंसर इसका बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये सेंसेक्स हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है एवं संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंत नगर में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, फसल है और राज्य है। मूंगफली हो जाएगा, क्या हो जाएगा मूंगफली आंध्र प्रदेश, सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश, नारियल केरल, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी, इसमें कूट का आंसर हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, एंटी सोल क्या है? तो हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर।
अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम से कहवा बगान लगाए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकमंगलूर जनपद में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बहुउद्देशीय वाले ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्र पारगमन से 8 जून 2004 को देखा गया, इससे पूर्व यह घटना कब घटी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 122 वर्ष पूर्व, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर 122 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, भूवैज्ञानिक से कालानुक्रम के अनुसार से अधोलिखित का सही क्रम से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अरावली पूर्वी घाट और दक्कन ट्रैप हिमालय, ये इसी रेंज में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटे नागपुर पठार का भाग नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत का अग्रण्य पेट्रोलियम से उत्पादक राज्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बीरहोर जो हो जाएगा ये झारखंड की जगह हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी ये सही नहीं है, अंगामी नागालैंड, खासी मेघालय और टोडा तमिलनाडु में, ये सब सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पतनों को व्यवस्थित करना है। इसमें हो जाएगा नहवा सेवा मुंबई, उसके बाद हो जाएगा मार्मा गोवा, उसके बाद न्यू मंगलौर और कोचिन हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण से निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 92 डिग्री 30 पूर्व, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गुजरात पेट्रोलियम से निगम से द्वारा से गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारों का पता चला है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये कांडला क्षेत्र में चला है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को सूची दो से मिलान करना है, इसमें हो जाएगा गुरु महिसानी हो जाएगा लौह अयस्क के लिए, तलचीर हो जाएगा ये कोयला के लिए, जादूगोड़ा हो जाएगा यूरेनियम के लिए, और जावर हो जाएगा जस्ता के लिए। कुट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग से की 17 प्रयुक्त हो रही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोलकाता एवं से धुबड़ी के मध्य ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। सूची एक और सूची दो से मिलान करना है, देश और राजधानी है, तंजानिया हो जाएगा डोडोमा, तंजानिया का डोडोमा हो जाएगा, केनिया हो जाएगा नैरोबी, नामीबिया, विंडहोक, मोरक्को हो जाएगा रबात। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लिम्पोजी, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए बुरन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी ये सही नहीं है।
ये हो जाएगा साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडा हवा है, साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडा हवा हो जाएगा साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवा से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसी में चिनूक जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ब्लिजर्ड जो हो जाएगा चिली से, शामून हो जाएगा ईरान के। निम्नांकित देशों में से कौन खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? सही उत्तर इसका हो जाएगा USA, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला वह कौन सी तिथियां हैं जो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, 23 दिसंबर, 21 मार्च और 23 दिसंबर हो जाएगा। संपात की अवस्था में पृथ्वी का हर भाग सूर्य के सामने एक सा रहता है, अतः दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े रातें छोटी होती है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा होता है और छोटी रातें होता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़े और दिन छोटे होते हैं। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी हो जाता है और दिन छोटा हो जाता है। 22 दिसंबर को यह स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, जबकि दोनों गोलार्धों में 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना है सही उत्तर इसका हो जाएगा एक पनबिजली संयंत्र है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के हरसुद नगर से निम्नांकित में से किस जलाशय में जलमग्न हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंदिरा सागर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट, राइट आंसर इसका हो जाएगा पुलिकट झील के, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा त्रिपुरा में, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है, राइट आंसर का लघु उद्योग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, माय लाइफ शीर्षक है आत्मकथा, ये हो जाएगा बिल क्विंटन की, ऑप्शन इसका हो जाएगा बिल क्विंटन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुधार योजना का संबंध है राइट आंसर इसका हो जाएगा जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदायों के स्वामित्व में है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा अधिक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गॉडगिल्स मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है, सही उत्तर इसका हो जाएगा जनसंख्या को, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सावधि जमाए, ऑप्शन इसका हो जाएगा सावधि जमाए। निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन इसका डी हो ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय मापक है, तो ये हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। राइट आंसर इसका साख सृजन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे, सही उत्तर इसका हो जाएगा विद का भागम कहते थे, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों को श्रेय दिया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रकूटों को, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों से लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था, सही उत्तर इसका हो जाएगा महेंद्र सूरी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। हल्दी दिल्ली के किस सुल्तान से के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा बलबन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक को सूची दो से सुमेलन करना है। तारीख़ हिंद का हो जाएगा अलबेरूनी, तारीख़ दिल्ली हो जाएगा खुसरो, रेहला हो जाएगा इब्न बतूता, और तबकी काती नासरी हो जाएगा मिनहाज हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान से अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन से लड़ो या उड़ो हार्मोन से कहलाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा एड्रीनेलिन हो जाएगा, ऑप्शन बी एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की से बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि, तो यह चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ से किया गया दरबारी रिवाज सीजदा समाप्त कर दिया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव जो मुख्यतः घटित होता है, तो ये हो जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग से का विलय सर्वप्रथम से किसने किया था, सही उत्तर इसका हो जाएगा ये महापद्मनंद ने, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, सही उत्तर इसका हो जाएगा बख्तियार खिलजी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय से गोलीकांड से कब हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 11 अगस्त को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। जिलाधिकारी WG आयरे ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था जिसमें 7 छात्र वहीं पे डेट हो गए थे और कई लोग उसमें घायल भी हुए थे। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य का महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान से की औसत ढाल किस ओर है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुआ रागी के उत्पादन में बिहार से की भारत में कौन सा स्थान है, सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रथम स्थान है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम से बताएं जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मधेपुरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा बोधगया में, ऑप्शन डी ए हो जाएगा।
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला है? सही उत्तर इसका शेखपुरा, ऑप्शन सी।